अगर 110 रुपए के आसपास आता है आरईसी तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। 110, 120 से लेकर के 110 और 90 रुपीज तक एक बॉटम जोन बनेगा, सपोर्ट जोन बनेगा, वहां पे बाइंग अपॉर्चुनिटी है। और वर्स्ट केस सिनारियों में 75 रुपीज तक जा सकता है और स्टॉक मार्केट में कुछ भी हो सकता है। इसलिए 60-80% जो चांसेस होता है, अभी उन स्टॉकों में गिरावट होने का स्टार्टिंग हुआ है। कंसोलिडेशन एक लेवल पे वो बार बार सपोर्ट ले चुका है, उस सपोर्ट को 138 का मैंने स्टॉप लॉस बोला था आरईसी में। आरईसी अगर 138 के नीचे फिसलता है तो हम उस स्टॉक को 120, 110 और 90, ये तीन सपोर्ट लाइन है, वहां पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाइंग करेंगे। और एक्चुअली जो चार्ट पे कंटिन्यू जब फॉल हो रहा होता है तो स्टॉक में बाइंग नहीं होती है, जब बॉटम, एक बॉटम बनने के बाद वहां पे कुछ समय वेस्ट करेगा, फिर वहां से जर्नी आएगी तो बाई करना चाहिए। तो वो मैंने जो एनालिसिस किया था, और उस केस में किसी ने मुझे बोला कि पीएफसी का मतलब 40 रुपीज हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसका भी सपोर्ट 90-80 है, मैक्सिमम 180 और 90। और आप लोगों को फिर आपको याद होगा आरईसी और पीएफसी का एक समय में एक ही रेट हुआ करता था, तो इसका मतलब नहीं है कि आज 40 रुपीज का डिफरेंस है और आरईसी 90 रुपीज पे आएगा तो पीएफसी भी 50 रुपीज के नीचे आ जाएगा, ऐसा कोई मतलब नहीं है। हो सकता है दोनों स्टॉक सेम रेट पे मिले, और पीएफसी हो सकता है 10 रुपया ऊपर भी मिल सकता है और आरईसी 10 रुपया नीचे भी मिल सकता है, ऐसे पीछे इतिहास में देखा गया है। तो इसलिए एनालिसिस जो मेरी होती है लॉन्ग टर्म रिस्क रिवार्ड के बेसिस पे बोलता हूँ। शॉर्ट टर्म में मैंने बोला था मॉर्फेन लैब को किसी ने बोला कि 32 रुपीज से मैंने टारगेट दिया था कि बेस्ट बाइंग लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी है 18 रुपीज का, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो सारे स्टॉक बॉटम बना करके 10 से 15%, 20% के लिए मैंने तो बोला ही था कि ऊपर जाने वाला है। और जिन लोगों ने क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है उनको अच्छा, क्वालिटी स्टॉक में इन्वेस्ट करने का टाइम ये अच्छा है, क्योंकि अगर जिसमें क्वालिटी नहीं है तो आप फंस भी सकते हो, ट्रैप भी हो सकते हो। इसलिए क्वालिटी स्टॉक को इस वैल्यूएशन बाइंग में, क्योंकि अगर आप किसी क्वालिटी स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते हो तो भी आपको 10% रिटर्न मिलेगा, और जिसमें हैवी रिस्क और हैवी डेट कंपनियों में इन्वेस्टमेंट करते हो या रिस्की कंपनी में, तो उसमें भी 10% का रिटर्न मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप उसमें निकल सकते हो, लेकिन इसमें फंसने के चांसेस ज्यादा होता है। तो मेरी जो व्यू होती है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म के हिसाब से, आप मेरे स्टेटमेंट को जरूर रीड करें। अब आगे देखते हैं स्टेट बैंक का चार्ट। स्टेट बैंक का चार्ट एक्चुअली इसने एक गैप डाउन ओपनिंग जो किया था, इस गैप को फिल करने के लिए आएगा। तो अगर वर्स्ट के सिनारियों में इसका जो प्राइस 150-255 और मैक्सिमम डाउनसाइड जो इस स्टॉक का है 240-240 तक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है, लेकिन अभी के केस में अगर बड़ी गिरावट आती है तो 263 और 255 के बीच में, और 2765 के नीचे और 255 के बीच में मिलता है तो इस स्टॉक को बिल्कुल बाई करना चाहिए शॉर्ट टर्म के नजरिए से, क्योंकि मैं टाइम साइकिल के एनालिसिस पे इसकी एनालिसिस कराता हूं आप लोगों को। इसका जो फाइनल बॉटम बनेगा 27 मार्च को, 27 मार्च को, लेकिन वो लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन हो गया नहीं होगा, और यहां से अभी तेजी बाकी है। लेकिन स्टॉक जो मेरा व्यू था 14 जनवरी का जो टॉप बना था बाजार का, मेरे हिसाब से निफ्टी का टॉप नहीं बना, लेकिन स्टॉक वहां से 20-20% डाउन है। तो मैं उसी व्यू पे हूं कि बजट के पहले या बजट तक अगर हाई लग जाता है 350 का तो निफ्टी में भी बहुत बड़ी गिरावट होने का चांसेज बन जाएगा। और फर्स्ट वीक ऑफ फेब्रुअरी और सेकेंड वीक ऑफ फेब्रुअरी में एक पैनिक बॉटम बनेगा, और इसका टारगेट जो मुझे जो लग रहा है 10,500 और उसके नीचे भी जा सकता है। और 10,500 का लेवल को अगर हम तोड़ देते हैं 7th, 8th और 14th फरवरी तक, तो एक बहुत बड़ा रिवर्सल का ट्रेंड खुल जाएगा, जो मेरा पहले से व्यू है कि अगले 11 महीने तक, अगले 8 महीने तक बहुत बड़ी मंदी रहने की उम्मीद है। और इसका सिग्नल स्टॉक ने दे दिया है,
और जिन लोगों ने मेरे चैनल के व्यू पे अपनी पोर्टफोलियो को सेल कर दिया है वो आज बहुत खुश हैं। सेकंड थिंग, सॉफ्टवेयर में जो हमारा हमने लाइव मार्केट में जो, उससे पहले ये जो मेरे लेवल जो होते हैं, लोगों को ये लगता है कि बहुत आसान है कि बाई कर लेना या सेल करना, कि दोनों साइड के लेवल होते हैं। लेकिन जो मेरा व्यू होता है उसको ज़रूर वाच करें। मैं कम्प्लीटली अवॉइड कर रहा हूँ। मैंने जो एनालिसिस किया था कि मंगलवार या बुधवार को बॉटम बन जाएगा, उसके बाद एक रिलीफ रैली देखी जाएगी, लेकिन मंगलवार को बाजार ने बॉटम बना करके वहीं से कंटिन्यू रिलीफ रैली देखी जा रही है। मंगल और बुध को रिलीफ रैली देखी गई और आज फर्स्ट मॉर्निंग के सेशन में थोड़ा सा रिट्रेस करके वहाँ से गिरावट देखी गई, जो जिसका मैंने व्यू आप लोगों को कल शेयर किया था कि बाज़ार में अभी फाइनल बॉटम नहीं बना है और ये कहाँ पर जाके बनेगा उसका भी मैंने, इस हफ्ते का जो टारगेट था 9,960 और कल का जो सेशन है, कल हमारा इस हफ्ते का जो वीकली टारगेट था 9,960 का, वहाँ तक भी जा सकता है बाज़ार। लेकिन उसके लिए जो लेवल निकल के आया है निफ्टी में 10,145 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा और गैप डाउन खुलता है बाजार या गिरावट होती है तो 10,030 और 9,980 पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो 10,032-33 ये हमारा दिसंबर का लो है, यहाँ तक बाजार जा सकता है कल के सेशन में और इस लेवल को तोड़ के 9,982 के आसपास प्राइस का बॉटम बनता है और वहाँ से रिकवरी आती है और 10,033 के आसपास बंद होता है, तो एक शॉर्ट टर्म बॉटम हम देख लेंगे।